हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग विद विभा। और मैं हूँ विभा। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ होममेड 3D आउटलाइनर इन अ बजट, एंड इसके साथ साथ हम इसका फाइनल आउटपुट भी चेक करेंगे। फ्रेंड्स, होममेड 3D आउटलाइनर बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है जो हमारे घर में होती ही हैं। ये मार्केट के रेडीमेड आउटलाइनर से सस्ता पड़ता है, इन्हें बनाना भी इजी होता है, और फिर उन 3D आउटलाइनर को अलग अलग चीजों पर यूज करके अपनी मन पसंद चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3D आउटलाइनर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कोन। तो उसके लिए मैंने ये प्लास्टिक पॉलीथीन यूज़ की है। कोई भी स्ट्रॉन्ग थिक पॉलीथीन आप यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन को स्क्वायर शेप का कट करके उसके दो ट्रायंगल शेप निकाल के उसे इस तरीके से घुमा के कोन बना लेना है, और लास्ट में फिर टेप से सिक्योर कर देना है। जितने कलर के आपको 3D आउटलाइनर बनाने हैं उतने पहले ही कोन बना के रख लीजिए। मैंने इस तरीके से 5-6 कोन तैयार कर ली हैं। कोन को तैयार करने के बाद हमें लेने होंगे 5 बाउल, क्योंकि मैं इस वीडियो में 5 शेड बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बेस के लिए मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी पाउडर। आप चाहें तो बेबी पाउडर, वाइट सीमेंट या फिर POP पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने हर बाउल में 2-2 चम्मच व्हाइट वॉल पुट्टी पाउडर डाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1-1 चम्मच सब में व्हाइट ग्लू फेविकॉल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3-4 चम्मच पानी। और अब इसको अच्छे से सब मिला लेना है, इसको अच्छे से फेंट लेना है। इसको इतने अच्छे से फेंटना है कि इसमें कोई भी गांठ, कोई भी बबल कुछ भी ना रह जाए, वरना ये हमें आगे जाके हमारी कोन चलने में दिक्कत देगा। तो मैं इसको बहुत अच्छे से फेंट ले रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी बेबी पाउडर या फिर POP पाउडर यूज़ करते हैं तो उसको भी इसी तरीके से अच्छे से फेंटना होगा, क्योंकि गांठ पड़ने का डर हर चीज़ में होता है। तो बस ये मैंने अच्छे से फेंट लिया है और ये मेरा एक थिक पेस्ट तैयार हो गया है। एकदम टूथपेस्ट जैसा पेस्ट रेडी हो जाना चाहिए। मेहंदी की कोन का पेस्ट होता है जैसे, उस तरीके से हमें इसको, इसकी कंसिस्टेंसी वैसी रखनी है। तो चलिए इस तरीके से मैं अपने 5 बाउल को रेडी कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने आउटलाइनर का बेस रेडी कर लिया है, और अब मैं इस बाउल में ऐड करूंगी फेविक्रिल कलर। आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर और भी कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 5-6 ड्रॉप ली हैं एक्रेलिक येलो कलर की, और अब मैं इसे एक स्टिक की हेल्प से अच्छे से मिला लूँगी, फेंट लूँगी, ताकि अच्छे से वाइट कलर जो है इसका वो येलो हो जाए। इसको अच्छे से फेंट लेना है। और अब मैं यूज़ करूँगी रेड कलर, क्योंकि मुझे रेड पेस्ट बनाना है रेड 3D आउटलाइनर के लिए। तो इस तरीके से मेरा रेड 3D आउटलाइनर पेस्ट रेडी है।
रेड और येलो दोनों रेडी हैं। बाकी बाउल्स में भी मैं और 3 शेड ऐड करके अपने 5 कलर कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे 5 शेड येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू रेडी हैं। तो अब लेंगे हम कोन जो हमने सबसे पहले रेडी की थी, उस कोन में हम इस पेस्ट को डाल लेंगे। इस पेस्ट को आप देख ही रहे हैं, काफ़ी थिक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है कि कोन चलने में प्रॉब्लम आए। पेस्ट डाल लेने के बाद हम सारा पेस्ट जो है कोन में ऊपर की साइड उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे और इसको ऊपर से अच्छे से बंद कर लेना है। मैं सारा पेस्ट नीचे खिसका दे रही हूँ ताकि हमारे कोन ऊपर से लीक ना होए। अब इसको ऊपर से अच्छे से मोड़ लेना है और बस लास्ट में लगा देना है टेप, जिससे ये सील हो जाए और यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी तरीके का लीक ना हो। तो इस तरीके से हमारी कोन रेडी है। मैंने सब कोन्स इसी तरीके से रेडी कर ली हैं। तो चलिए इन कोन्स का यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसी बनी हैं और कैसा काम कर रही हैं। ये मैंने एक लीफ शेप कार्डबोर्ड लिया है। आप जिस तरीके से चाहें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसा मर्जी चाहें डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये देखो ये आउटलाइनर चलने में कितना स्मूथ है। मार्केट के कंपैरिजन मुझे ये यूज़ करने में ज़्यादा इजी लग रहा है। मार्केट का जो 3D आउटलाइनर होता है वो प्लास्टिक की बॉटल में होता है और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो प्रेस करना ही पड़ता है, पर यहाँ हल्का सा बहुत माइनर सा प्रेशर से ही ये बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत ही ईजली फ्री फ्लोइंग है। इस 3D आउटलाइनर को आप ग्लास पर भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर पर, कार्डबोर्ड पर और वुड पर भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक कपड़े पर मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप इसे कपड़े पर ट्राई करके फ्रेम कर सकते हैं क्योंकि ये वॉशेबल नहीं है। बट बिलीव करिए ये चलने में बहुत स्मूथ है और बहुत सुंदर शेड कलर आए हैं इसके सारे। मार्केट में मिलने वाला एक आउटलाइनर की कॉस्ट 25 से 30 रुपीज़ होती है और कई बार तो ऐसा होता है जो शेड हमें चाहिए होती है वो मार्केट में होती ही नहीं है। तो ऐसे में आप अपना खुद का 3D आउटलाइनर बना सकते हैं, मन चाहे शेड रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत लो कॉस्ट में। अगर आप मेरी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक रखते हैं तो ये आउटलाइनर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने ये 3D आउटलाइनर अपने बहुत सारे वीडियोस में यूज़ किया है और बनाना भी बताया है, बट मेरे पास डिमांड आई कि उसमें सबको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक प्रॉपर 3D आउटलाइनर पे ही वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज आपके साथ शेयर किया ताकि आप आराम से समझ पाएं और इसे ट्राई करें और अपने मन मुताबिक शेड्स रेडी करें, डिज़ाइन करें, डेकोरेट करें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने लीव्स पर कई पैटर्न यूज़ किए हैं। ये मेरा ट्रायल पैटर्न है, मैंने इसको बस ऐसे ही लिया और बना लिया, कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मैं इन पर क्या डिज़ाइन बनाऊंगी। ये बस मैं ऐसे ही बना के देख रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ कि ये कोन चलने में स्मूथ है। फ्रेंड्स, इन कोन्स का मैंने अपने बहुत वीडियोज़ में यूज़ किया है, आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां जाके एक बार देख सकते हैं। आप इन आउटलाइनर को बहुत आराम से बना सकते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है तो फेविकॉल और पाउडर तो सबके घर में होता ही है, तो आप उनको यूज़ करके इन आउटलाइनर्स को बना सकते हैं, तरह तरह के शेड्स में रेडी कर सकते हैं। मुझे इस तरीके की डिज़ाइंस बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैंने इस लीफ को इस तरीके से रेडी किया है। मुझे इस कोन्स को यूज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये बहुत स्मूथ फ्री फ्लोइंग है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का आर्ट वर्क भी रेडी है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जरा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
जल्दी मिलते हैं एक नई यूजफुल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।